नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन। फिर से और एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक मोटो G8 पावर लाइट है। ये देख सकते हैं मोटो G8 पावर लाइट। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फ़ोन डेड है और किसी टेक्नीशियन के पास से आया है। और मैंने जब इसको ओपन किया तो देखा कि इसकी CPU खुला हुआ है। ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देख सकते हैं इसके CPU जो है ये खुला हुआ है। और इसमें जो है ना 3-4 प्रिंट डैमेज है। तो इसको आज हम बनाना सीखेंगे और इसको पेस्टेड IC को क्लीन करना सीखेंगे और इसको फ़ोन को रेडी करेंगे। तो चलिए माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं कहाँ पे क्या प्रिंट मिस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है बोर्ड, और यहाँ पे मैं इस कोने पे देख सकते हैं 1-2-3 प्रिंट उखड़ा हुआ है। और 2-3 प्रिंट, ये वाला प्रिंट तो चलेगा, ये देख सकते हैं उड़ गया। एक प्रिंट, दो प्रिंट, ये तीन प्रिंट डैमेज है। और ये वाला प्रिंट हम सीधा करके बैठाएंगे तो चलेगा। और इस चलिए फेस्टेड IC को भी क्लीन करते हैं। पूरा पेस्ट लगा हुआ है, जैसे प्रिंट उखड़ गया है आधा साफ करके रख दिए हैं। चलिए इसको रेडी करते हैं। तो IC भी देख सकते हैं, CPU देख सकते हैं, पूरी तरीके से पेस्ट लगा हुआ है। ये सब कुछ क्लीन करेंगे नहीं है, और सीक्रेट तरीके से, एकदम एकदम ज़बरदस्त फर्स्ट तरीके से, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे रोजन डालेंगे, जो मैं पेस्टल IC में आपको हमेशा ही यूज़ करना पड़ता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसोल्व कर लेंगे। आयरन के टेम्परेचर है 350, ठीक है, तो 350 आयरन के टेम्परेचर है। और उसके बाद यहाँ पे डिसोल्डर वायर से क्लीन करूँगा, ताकि जो एक्स्ट्रा रंगा है वो निकल आए, साथ साथ में जो पेस्ट लगा हुआ है वो भी रिमूव हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे ये करेंगे उसके बाद हम थिलर या लिक्विड देके बोर्ड को क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा। और बोर्ड को क्लीन करने के बाद जो लगा हुआ है देखेंगे, पेस्ट लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसको हल्का हल्का सा स्क्रैपर दे के मैं धीरे धीरे स्क्रैच करूँगा, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसको मैं क्लीन कर लूँगा। देखिए मैं किस तरीके से चला रहा हूँ स्क्रैपर। अगर ज़्यादा मतलब प्रेशर दे के चलाऊँगा ना, तो क्या होगा कि प्रिंट डैमेज हो जाएगा और भी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो प्रिंट है डैमेज है, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट क्या हूँ ताकि आपको समझने में टाइम वेस्ट ना हो। ये प्रिंट उखड़ गया, तो यहाँ पे जो जो प्रिंट हमें चाहिए, तो वो प्रिंट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्क्रैच कर लूँगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक भी है कि किस तरीके से क्या करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट, मतलब PPD पेस्ट, और थोड़ा सा मैं लिया हूँ PPD पेस्ट और नॉर्मल जो फ्लैक्स होता है उसको मिक्स कर लिया हूँ। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले तो रिसोल्ड कर लिया। अब रिसोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे जम्पर वायर लगाऊंगा, और ये जो जम्पर वायर की MM है, थिकनेस है 0.02 mm की, मैं जम्पर वायर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरा प्रिंट डैमेज है वहाँ वहाँ मैं क्या कर लूँगा, मैं देख सकते हैं कितना चौड़ा लंबाई रख रहा हूँ मैं जम्पर वायर का, नहीं तो आपका जम्पर वायर सही से नहीं बनेगा। तो ये तीन जम्पर में मार लेता हूँ। अब जम्पर मारने के बाद मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे लगा हुआ था पेस्ट वो सही से क्लीन करूँगा। नहीं तो क्या होगा कि आप जब UV ग्लू डालेंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा, नीचे से नहीं पकड़ा। ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, जो फ्लैक्स आपने डाल के जम्पर लगाया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने में सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको यूज करना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको राउंड नहीं करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे भी आपका सोल्ड के हैं यहाँ पे हल्का हल्का सा UV ग्लू डाल देना है, ताकि ये पहले मजबूत हो जाए, उसके बाद आप राउंड करिए तो क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने राउंड कर लिया, मतलब यहाँ पे UV डाल दिया। UV डालने के बाद मैं यहाँ पे UV ग्लू लगा लूंगा, इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। UV ग्लू लगा लिया, और इसके बाद UV लाइट में कम से कम 2-5 मिनट तक लगाऊंगा। तो UV लाइट देने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा कि आपका टाइट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको हिलाऊंगा ना, या मैं जैसे देख सकते हैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, पहला राउंड जितना छोटा होगा आपका जो है जलेबी उतना अच्छा बनेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाया सबसे पहले किस तरीके से करना है।
बाकी देखिए मैं किस तरीके से राउंड कर रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके से छोटा छोटा करके। पहला राउंड सबसे छोटा बनाना है, मतलब पहला जो गोला बनाएंगे आप वो छोटा बनेगा, जितना छोटा वो बनेगा आगे चलकर जो आगे की राउंड है वो बिल्कुल माइक्रो जंप पर आपका सही होगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये है कि आपको पहले से थोड़ा सा जहाँ पे भी आप सोल्ड करेंगे वहाँ पे आपको ईवी ग्लू लगा लेना है। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जो प्रिंट डैमेज था हमारा वो प्रिंट का हम लोग जो माइक्रो जम्पर जलेबी बनाते हैं वो राउंड राउंड बना लेना है, ये मस्ट भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यही तो आपका माइक्रो जम्पर वायर टूटते रहेगा और काम नहीं करेगा। और मस्ट भी यहाँ पे माइक्रो जम्पर वायर का थिकनेस होना चाहिए 0.02 mm, देख सकते हैं किस तरीके से मैं माइक्रो जम्पर किया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे उसके बाद क्या करेंगे हम कि उसके बाद यूवी जो ग्लू है वो यूवी ग्लू इस जम्पर वायर के ऊपर जहाँ पे राउंड है वहाँ पे डाल दें, ठीक है। अब जम्पर वायर के ऊपर डालने के बाद हम क्या करेंगे, यूवी लाइट देंगे। यूवी लाइट देने के बाद कम से कम 5 मिनट रखें, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब उसके बाद एक ब्लेड लेना है, जो 11 नंबर ब्लेड या नुकीला ब्लेड ले लीजिए, उससे धीरे धीरे साफ करें, धीरे धीरे एकदम बिल्कुल हल्का, ये बहुत देखिए पेशेंस की काम है थोड़ा सा। और अगर आप सही तरीके से ब्लेड को नहीं चलाएंगे तो अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये जो जम्पर है आपकी बोर्ड से आ सकता है निकल के, तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे धीरे इसको जम्पर को धीरे धीरे क्लीन करना है, ऊपर की यूवी ग्लू क्लीन कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, और एक प्रिंट देख सकते हैं यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए, मैं अलग करने के लिए मैं यूवी ग्लू ले रहा हूँ, और एक छोटा सा जम्पर वायर जो नॉर्मल जम्पर वायर है उससे के मदद से मैं इसकी चारों तरफ से लगा दिया, ताकि इसमें जब सीपीयू बैठेगा तो वो एक साथ जुड़े ना। तो यहाँ पे भी मैं यूवी ग्लू कर लिया, तो मेरा माइक्रो जम्पर तो हो गया, ये बोर्ड भी सही तरीके से हो गया। अब सीपीयू को क्लीन कर लेता हूँ, तो सीपीयू को क्लीन करने के लिए मैं रोजिन ही यूज़ करता हूँ, और मैं ये जो एक साइड से आयरन से ही क्लीन करता हूँ, आप देखे होंगे। तो इसी तरीके से आपको क्लीन करना है, और उसके बाद डीसोल्डर वायर चलाना है। अगर आपको ये सारा चीज़ और भी अच्छी तरीके से जानना है पेस्टराइसी के बारे में, मेरे पुराने वीडियो देखिए, तो उसमें और भी अच्छे से डिटेल्स में पेस्टराइसी किस तरीके से क्लीन करना है वो बताया हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें रिबॉल्व कर लेते हैं आईसी को, और आईसी को रिबॉल्व करने के बाद हम इस आईसी को बोर्ड में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आईसी को बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं, और देख सकते हैं माइक्रो जम्पर भी है, वही वाला बोर्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैक्स डालेंगे, और फ्लैक्स डालने के बाद यहाँ पे सीपीयू को प्लेस करेंगे नोज कट पॉइंट के हिसाब से, और नोज कट पॉइंट के हिसाब से प्लेस करने के बाद यहाँ पे हीट देंगे। मेरा SMD का हीट है 350 और 50 पे AR है, या 2 पे AR रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं टच दे दूंगा ताकि आईसी सही से चलिए, बैठ जाए। हमने सीपीयू को लगा लिए हैं और इस बार देखते हैं कि हमारा फ़ोन चालू हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम लगा लेते हैं बोर्ड में। और लगा के चेक करेंगे। ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा बिल्कुल चालू हो चुका है। और ये फ़ोन किसी ने जिस हिसाब से भेजा था, हमने तीन तीन चार चार माइक्रो जम्पर अंदर किए हैं, और अंदर करने के बाद हमने पेस्टेड आईसी भी क्लीन किए, पेस्टेड आईसी भी काम किए, और आपको मैंने बताया कि माइक्रो जम्पर किस हिसाब से कर रहा है। देखिए, ये जो काम जिस किसी ने भी किया है उनको पेस्टेड आईसी निकालने की सही तरीके से तरीका आता नहीं है, जिस कारण प्रिंट उखड़ा है। तो अगर आपको पेस्टेड आईसी खोलने में दिक्कतें होती है, या तो फिर पेस्टेड आईसी खोलने के बाद प्रिंट इनके जैसा उखड़ जाता है, इसके इनके जैसा प्रॉब्लम होता है, और माइक्रो जम्पर नहीं कर पाते हैं, और माइक्रो जम्पर कर भी लेते हैं वो सही से ढंग से नहीं होता है, तो ये सारे चीज़ अगर आपको चाहिए तो हमारे SI टेलीकॉम इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं।
बिल्कुल ये सारे चीज़ में आपको माहिरता हासिल हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और ये देखते हैं अभी आगे बढ़ जाएगा। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।